हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। आप लोगों को पता है कि रिसेंटली हमने कबीर के साथ एक गोवा वेकेशन लिया था। उसमें काफी लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि आप बताओ कि कबीर वेकेशन पे क्या क्या चीजें खाता है, बेसिकली टू गेट एन आइडिया कि 3 से 4 साल के बच्चों को जब आप हॉलीडे पे जाते हो तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर में आप क्या चीजें खिला सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपसे वही शेयर करने वाली हूँ। पहले आप ये सारे ऑप्शन देख लीजिए और लास्ट में मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करूंगी। तो ये हमारा day 1, यहाँ पे कबीर ने खाया अपना फेवरेट पैनकेक। पैनकेक नॉर्मली आपको किसी भी ब्रेकफास्ट मेन्यू में आराम से मिल जाता है, ये बच्चों के लिए होता ही है। और पैनकेक में आप डिफरेंट वर्जन ट्राई कर सकते हो, यू कैन गो फॉर चॉकलेट पैनकेक, यू कैन गो फॉर मेपल सिरप बेस्ड पैनकेक। एंड आप साथ में थोड़ा सा वेराइटी देखने के लिए कि बच्चों को पसंद क्या आ रहा है, वहाँ पे एग एंड ब्रेड का ऑप्शन रख सकते हो, ब्रेड जैम का ऑप्शन रख सकते हो, साथ में फ्रूट्स ज़रूर रखो, तो वो अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है विद अ लाइट ब्रेकफास्ट। तो अपने फर्स्ट डे के एक्सपीरियंस से खुश होकर कबीर ने सेकेंड डे भी पैनकेक खाया। इनफैक्ट 2 पैनकेक्स उसने डिमांड किए, जो उसने पूरे फिनिश किए विद एक्स्ट्रा व्हिप्ड क्रीम एंड चॉकलेट। एंड नेक्स्ट डे कबीर अपना यहाँ पे फ्रेश वाटरमेलन जूस इन्जॉय कर रहा है। अगेन आपको ब्रेकफास्ट मेन्यू में कुछ ना कुछ फ्रेश जूस ज़रूर मिल जाता है, अदरवाइज फ्रेश फ्रूट्स कटे हुए मिल जाते हैं, सो डू इंक्लूड दैट रियली फ्रेशन्स अप द चाइल्ड। अलॉन्ग विद दैट हमने ट्राई किया यहाँ पे साउथ इंडियन ऑप्शन, तो थोड़ा सा डोसा, दिस इज प्लेन डोसा, एंड देन साथ में इडली, कोकोनट चटनी और सांभर। यहाँ पे वड़ा भी मिलता है जस्ट इन केस आप वो ट्राई करना चाहो, बट अगेन दिस इज़ अ वेरी लाइट ब्रेकफास्ट ऑप्शन। अगर आपके बच्चों को सांभर स्पाइसी लगे तो जस्ट गो हेड विद द चटनी, बट अच्छे होटल्स में सांबर को काफी माइल्ड बनाया जाता है। सो नेक्स्ट डे कबीर खा रहा है प्लेन ऑमलेट। इसमें आप एक्स्ट्रा चीज भी डलवा सकते हो या फिर वेजिटेबल ऑमलेट भी कर सकते हो, बट उसको प्लेन पसंद है, एंड साथ में मेपल सिरप वाला पैनकेक। अगले दिन का फुटेज हम ले नहीं पाए, बट दैट डे ही हैड मेथी की पूड़ी एंड आलू। ओके, सो लंच की बारी आ गई है, एंड day 1 पे हमने मंगाया ग्रिल्ड सामन विद वेजिटेबल्स। सामन एक तरीके की फ़िश है जो बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ होती है, सॉफ्ट होती है और आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाती है। कबीर को ये बहुत पसंद है। वेजिटेबल्स में उसको जनरली ब्रोकली, कैरेट और मशरूम ही पसंद आता है, बाकी सब हमें ही खाना पड़ता है। अगर आपको ये कम्प्लीट मील नहीं लगे, वैसे तो ये कम्प्लीट मील है, तो आप साथ में कॉम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा स्टीम राइस भी मंगा सकते हो, उससे भी बच्चे का पेट अच्छे से भर जाएगा। नेक्स्ट डे के मेन्यू में है स्पेगेटी विद रेड सॉस पास्ता। कबीर को टोमेटो बेस्ड पास्ता ज़्यादा पसंद है, बट हम इसमें हर्ब्स नहीं डलवाते हैं बिकॉज वो थोड़ा भी स्पाइसेस से बहुत कंफर्टेबल नहीं है, बट ही एब्सोल्युटली इंजॉयज। नेक्स्ट डे के मेन्यू में है बटर चिकन। बटर चिकन एज अ फैमिली हम तीनों ही इंजॉय करते हैं। यहाँ 2 बटर चिकन इसलिए बिकॉज एक नॉर्मल है और एक हमने माइल्ड बनवाया ताकि कबीर खा सके, बिकॉज बटर चिकन में बच्चों को हल्की सी मिर्ची लगती है। साथ में कॉम्प्लीमेंट करने के लिए पापड़ है, यहाँ पे नान है, बट अदर डेज पे हम सिंपल घर वाली घी वाली रोटी भी मंगा लेते थे, वो भी मिल जाता है इजीली। आप भी मंगा सकते हो, एंड दैट्स आर यमी लंच। एंड नेक्स्ट डे था मोस्टली बच्चों का फेवरेट मार्गरीटा पिज्ज़ा। ये बिल्कुल सिंपल पिज्ज़ा है, बिल्कुल इसमें स्पाइसी नहीं होता है, और इस होटल का मार्गरीटा पिज्ज़ा इज़ हाईली रिकमेंडेड। कबीर को और हम सबको ये बहुत पसंद आया। और जब हमें लगता था कि दिन में थोड़ा हैवी हो गया और लाइट मील कबीर को देना है, तो हम ये मंगाते थे। ये घर वाली दाल है, इसमें बिल्कुल स्पाइस लेवल कम है, इसके साथ पापड़ है, घर वाले ही फुलके हैं जिसपे घी लगा हुआ है और साथ में रायता है, तो ये परफेक्ट लाइट मील है फॉर अ वेकेशन। तो गाइस डिनर की बारी। फर्स्ट डे हम डिनर करने बाहर रेस्टोरेंट में गए थे, वहाँ कबीर ने कालामारी ट्राई किया फर्स्ट टाइम और उसने बहुत इन्जॉय किया। तो उसने इतना खा लिया था कि हमने प्रेफर किया कि उसे कुछ और नहीं दे, एंड ही थरली इन्जॉयड दिस। सेकेंड ऑप्शन है अगेन सामन स्टेक विद वेजिटेबल्स। क्योंकि हमने ये पहले दिन लंच में ट्राई किया था और कबीर को अच्छा लगा, तो वी थॉट दैट दिस इज़ अ सेफ बेट, उसने ये इन्जॉय किया। साथ में हमने कॉम्प्लीमेंट करने के लिए फ्रेंच फ्राइज मंगा लिया था, अगेन ये भी बच्चों को पसंद आता है। जब आप फिश मंगाते हो तो आप सामन या बासा फिश मंगा सकते हो, इन दोनों में ही स्मेल नहीं होता है, इन दोनों में कांटे नहीं होते और ये बहुत सॉफ्ट होते हैं टू ईट। एंड बिकॉज कबीर को फिश इतना पसंद है, तो नेक्स्ट डे जब हम रेस्टोरेंट में डिनर करने गए तो वहाँ पे हमने किंग फिश ऑर्डर किया। ये किंग फिश भी थोड़े वेजिटेबल्स और साथ में फ्रेंच फ्राइज के साथ आता है, तो अगेन अ होलसम मील और ये लोकल फिश है। एंड गाइज यहाँ का डिनर ऑप्शन बिल्कुल लाइट है, तो जिस दिन आपको लगे कि इवनिंग बहुत हैवी हो गई, लंच बहुत हैवी हो गया, या फिर बच्चा लाइट ही खाना प्रेफर कर रहा है, तो उस दिन सूप इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ये क्लियर चिकन सूप है, इसके साथ ब्रेड भी आई थी जो कबीर ऑलरेडी खा चुका है, तो ब्रेड बटर लगा के साथ में सूप दे दो, दैट इज़ अ वेरी लाइट एंड सेफ मील फॉर चिल्ड्रन।
एंड गाइज हमारा सेफ ऑप्शन हमेशा होता था दाल तड़का, तो अगेन ये घर वाली दाल है, ये कभी हम लंच में मंगाते थे और कभी हम डिनर में भी मंगा लेते थे जब हमें लगता था हम सबको लाइट खाने की जरूरत है। तो गाइज मैंने देखा आपने अभी तक लाइक बटन नहीं हिट किया, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए बिकॉज इसी से हमें पता चलता है कि आप हमारे काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। अब कुछ टिप्स मैं आपको दूंगी। देखिए नंबर वन, जब आप एक वेकेशन पे जाते हैं तो हो सकता है खाना आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, बट बच्चों के लिए खाना प्रायोरिटी नहीं होता है, उन्हें मस्ती करनी होती है एंड फूड इज द लीस्ट ऑफ देयर वरीज। सो सबसे पहले डोंट फोर्स फीड देम, आप हल्के फुल्के ऑप्शंस रखिए और मस्ती मजे में बच्चों को खिलाते रहिए। अगर वो कोई चीज आपकी दी हुई नहीं खा रहे हैं तो डोंट वरी, दूसरे टाइम पे ट्राई कीजिए, कोई और ऑप्शन ट्राई कीजिए, इट विल डेफिनेटली वर्कआउट। नंबर टू, काफी पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बच्चा बहुत ज्यादा जंक खा रहा है तो इससे प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आपको ये वरी नहीं करना है कि बच्चा क्या खा रहा है, आपको ज्यादा ये वरी करना है कि बच्चा खाता रहे, उसका पेट भरा रहना चाहिए जिससे कि बच्चे क्रैंकी नहीं होते हैं और वो वेकेशन को इंजॉय करते हैं। हाँ, उनकी मील्स को बैलेंस करने के लिए मेरा सजेशन है कि आप दिन में उन्हें फ्रूट्स और ड्रिंक्स जैसे कोकोनट वाटर हो गया, नींबू पानी हो गया, ये चीजें स्नैक्स में या बीच बीच में या फिर फूड के साथ ही दे दिया करिए, बिकॉज इससे क्या होगा कि उनका डाइजेशन ठीक रहेगा एंड यू डोंट हैव टू वरी। आई थिंक एटलीस्ट वेकेशन एक ऐसा टाइम है जहां बहुत ज्यादा फोकस न्यूट्रिशन पे नहीं करो, अगर आप कर सको तो नथिंग लाइक इट, बट डोंट बी पैरानॉइड अबाउट कि बच्चे को न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रहा है, फोकस करो कि बच्चे खा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और स्मूथ आपकी वेकेशन निकल गई बिना उनके स्टमक को अपसेट किए। यू नो हमने कबीर के साथ खुद ये देखा है कि वेकेशन में उसका वेट थोड़ा कम हो जाता है बिकॉज जितना बच्चे खाते हैं उससे ज्यादा वो खेलते हैं, मस्ती करते हैं, जैसे वो तीन तीन चार चार घंटे इस वेकेशन में पूल में रहता था, तो इतनी स्विमिंग करके ऑब्वियसली आप कैलोरीज को बर्न ज्यादा कर रहे हो देन इनटेक करने के, बट दैट्स फाइन, उसका पेट भरा हुआ है, वो खुश है एंड दैट इज ऑल दैट मैटर्स। सो आई होप ये टिप्स आपको पसंद आई होंगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड प्लीज हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मेरा भी इंस्टाग्राम है मॉमकॉम इंडिया एंड कबीर का भी इंस्टाग्राम है कबीर पायद, आप दोनों जगह हमें फॉलो कीजिए, आपको बहुत सारे अपडेट्स वहां पे यूट्यूब से पहले ही मिल जाएंगे। दीज आर आर आईडीज। थैंक यू, बाय बाय।